आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने पर्सनल कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हैं वाया यूएसबी डाटा केबल। उसके लिए सबसे पहले आपको एक अदद यूएसबी डाटा केबल की ज़रूरत है, जो कि आपको बाजार से आसानी मिल सकती है। उसका एक हम सबसे पहले कंप्यूटर में उसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन किया, दूसरा हिस्सा हम सेलफोन में एंटर करेंगे, ये कनेक्टिविटी आपको शो करेगा। ये अभी कंप्यूटर्स को रिकग्नाइज कर रहा है, वो भी हमें शो करेगा। ये देखिए कंप्यूटर ने रिकग्नाइज किया कि एक अदद सेलफोन जो कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुका हुआ है। लेकिन सीन यहाँ पे ये कि हमें अपना मोबाइल का इंटरनेट पर्सनल कंप्यूटर पे शेयर करना है। आप देख सकते हैं अभी भी रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस लाल निशान नजर आ रहा है आपको, जो कि कह रहा है नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन आर अवेलेबल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने सेलफोन का इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल डाटा ये हमने ओपन किया। मोबाइल डाटा के ओपन करने के बाद आपको ऊपर दो एरोज नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आपके बाइट्स सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो इसके एक्टिव होने के बावजूद आपका नेट नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अभी इसको शेयर नहीं किया। जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो मोबाइल पे तो कनेक्टिविटी आ चुकी है, लेकिन कंप्यूटर पे अभी सेम रेड निशान है। तो वापस चलते हैं, हम इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में गए, सेटिंग में आपको नेटवर्क कनेक्शन में आपको ये चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएस डाटा यूजिंग, और नीचे लिखा हुआ है मोर नेटवर्क। मोर नेटवर्क में जब हम जाते हैं तो उसके बाद हमें टेट हेरिंग एंड पोर्टेबल का ऑप्शन चूज करना है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन, हमने थर्ड ऑप्शन को चूज किया। उसके बाद हमें फिर से तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी यूएसबी के साथ जो है उसको कनेक्टिविटी करनी है, तो हम उसको यूएसबी को चेक इन करेंगे। ये आपको ऊपर से ब्लू कलर का एक साइन नजर आ रहा है, जो कि वो शो कर रहा है कि कनेक्टिविटी हो रही है आपकी कंप्यूटर के साथ। ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये भी बफरिंग हो रही है, वो सर्च कर रहा है मोबाइल इंटरनेट को आपके सामने है। अभी कुछ सेकंड में वो भी कनेक्टिविटी ये देखें शो कर रहा है, कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है। वो बता रहा है कि इंटरनेट एक्सेस हो चुका हुआ है। हम इसको एज अ फॉर एग्जांपल इसको आपको कुछ चीज ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फेसबुक, फेसबुक, ये फाइल hippo.com, ये एक सॉफ्टवेयर की साइट है। ये देखिए ये हमारे मोबाइल के इंटरनेट चल रहा है। आसानी आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को किसी भी कंप्यूटर के साथ इस तरह कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अभी भी इंटरनेट एक्सेस है, ये तब तक चलेगा जब तक आपका सेलफोन कनेक्ट है। ये देखिए मैं भी आपको शो करता हूँ, जब मैं इसकी जो वायर को उतारूंगा तो यहाँ पे रेड क्रॉस शो करेगा। ये देखिए ये मैंने उतार दिया, तो ये इसने रेड क्रॉस शो कर दिया। तो सिंपल तरीका है कनेक्टिविटी शो करने का। तो दोस्तों से अर्ज है कि वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके नॉलेज में भी ये बात रहे कि कैसे हम अपने मोबाइल के इंटरनेट को अपने पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम नई से नई चीज़ें आपको बताते जाएं। अगर आपके लिए नई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये जानते हैं तो आप भी कोशिश करें कि दूसरों के काम आ सकें। तो शुक्रिया, मुझे ज़रूर आप नीचे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, अगर मैं वो आपके लिए पूरी कर सकता हूँ, या आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको दोबारा समझा सकूँ। तो आप काइंडली नीचे टेक्स्ट में कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आप मुझे अपना फीडबैक दे सकें। शुक्रिया।